हेलो नमस्कार, मैं अभिनय राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज एक बार फिर आप सबके लिए लेके आया हूं यूपीटेट सीटेट स्पेशल के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, और याद रखिए सीटेट निकालने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा पैडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतना ही आप बेहतर से बेहतर नंबर लेके आ सकते हो सीटेट में। ओके, तो याद रखिए सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है सीटेट के लिए, प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करिए, उतना ही समझने का प्रयास करिए पैडागोजी को। ये अकेला इतना कारगर है कि आपको सीटेट में अच्छे नंबर दिला सकता है। ओके, तो इसी वजह से मैं लगातार आपके लिए 30-30 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जिससे आप और भी बेहतर कर सकते हो, और भी सजग रह सकते हो, सजग हो सकते हो इस सीटेट के पेपर के लिए। ओके, तो चलिए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी पूरा वीडियो देखिए। जितने लोग देख रहे हैं शेयर कर दीजिए सीटेट यूपीटेट के, जितने तैयारी कर रहे हैं, और पूरा क्वेश्चंस देखने का प्रयास करिए, खुद से क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। कितना ज़्यादा आप कर पा रहे हो, कितना ज़्यादा आप समझ पा रहे हो, जितना बेहतर कर पाओगे उतना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही बेस्ट होगा। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है कब? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष पे? ओके, तो याद रखिए बालक में रंगों की पहचान कब होती है? 5 वर्ष की अवस्था में होती है। अगर आपने पियाजे को सही से पढ़ा है तो आप पहचान जाओगे कि रंगों की पहचान बालक कब करता है, तो 5 वर्ष की अवस्था में करता है। नेक्स्ट, मिथ्य परिपक्वता का काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। मिथ्य परिपक्वता का काल, जो रॉन्ग मैच्योरिटी है, वो कब आती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो वो है बाल्यावस्था। ओके, कहाँ पे है? बाल्यावस्था। और याद रखिएगा यहाँ पे भी क्वेश्चंस और भी आते हैं, उत्तर बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो ये होगा उत्तर बाल्यावस्था। ओके, नेक्स्ट, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में है? सीटेट का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो जाहिर सी बात है ये सबसे शुरुआती अवस्था होगी, और वो है शैशवावस्था, इन्फेंसी एज। सीखने का आदर्श काल माना जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहा जाता है वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग, और वहीं पे अगर फ्रायड आएंगे तो प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? कौन सी घटना है? सीटेट के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, मां, ध्वनि, भोजन? ओके, तो किस घटना पे? तो प्रकाश को देख के वो सबसे पहले आकर्षित होता है, सबसे पहले अपने सिर को मूवमेंट ले आता है, सिर में मूवमेंट ले आता है प्रकाश के साथ साथ लाइट के अकॉर्डिंग। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है कहाँ पे? वयसंधिकाल, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था? ओके, बालक बालिकाओं का सर्वाधिक समायोजन होता है एक दूसरे के साथ, वो है ट्रांस पीरियड, यानी वयसंधिकाल। ओके, याद रखिएगा आपका 10 मिनट, सिर्फ 10 से 15 मिनट आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके आएंगे, ये गारंटी है। ओके, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए क्या? दमन कर देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए, उत्तेजित कर देना चाहिए या सक्रिय कर देना चाहिए? तो याद रखिए जिज्ञासा अगर है, क्यूरियोसिटी है, तो उसको बताओ, उसको शांत करो। ओके, तो बालक की जिज्ञासा क्या करना चाहिए? शांत कर देना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है? ओके, याद रखिएगा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व तो नहीं है, सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है सामाजिक संचरण। ओके, यानी सामाजिक संचरण हमारे कोई भी बौद्धिकता में निर्धारित नहीं करता, यानी बौद्धिकता में मदद नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है या अवस्था है? याद रखिएगा ये भी पियाजे से संबंधित है। ओके, और पियाजे से संबंधित सुपरटेट या
सीटेट में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव में प्रत्यय से होती है, यह अवस्था कब होती है? 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष या 10 से 2 वर्ष। ओके, सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव में प्रत्यय से होती है, याद रखिएगा मूर्त की बात कर रहा है और मूर्त कब होता है? 7 से 12 वर्ष में। ओके, 7 से 12 वर्ष में। नेक्स्ट, संवेदी पेशी अवस्था, यह भी पियाजी की अवस्था है। संवेदी पेशी अवस्था कौन सी अवस्था होती है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12, 12 से अधिक। तो संवेदी पेशी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। ओके, शुरुआती अवस्था है ये, सबसे शुरुआती अवस्था संवेदी पेशी अवस्था। नेक्स्ट, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था में है? किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और बाल्य अवस्था। या देखिए, बालक 13 वर्षीय, यहीं से आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो क्योंकि 12 से 18 किशोरावस्था का एज है। ओके, तो ये कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। नेक्स्ट, निम्न में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। ओके, सृजनात्मकता के विकास में सहायक तत्व नहीं है, वो कौन सा है? निर्माण संबंधी क्रियाएं। अगर हम कोई क्रियाएं कर रहे हैं निर्माण संबंधी, उससे बच्चे की कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, अगर कोई चीज़ निर्माण करते वक्त अगर बच्चे की मदद ले रहे हैं या कुछ ऐसा एक्टिविटी करा रहे हैं तो शायद सृजनात्मकता हो जाए, वरना नॉर्मली निर्माण संबंधी क्रियाओं में कोई भी सृजनात्मकता सहायक नहीं होता। नेक्स्ट, खिलौने की आयु, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलौने की आयु, ये यूपी टेट में भर भर में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या सभी को? तो खिलौने की आयु कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था को, याद रखिएगा, और खेलने की आयु उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं। तो खिलौने की आयु किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, याद रखिएगा, तो खेलने की अवस्था जो है वो पूर्व बाल्यावस्था की नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ बच्चा खेलता नहीं है। ओके, खेलना पसंद नहीं करता, वो खिलौने से खेलना पसंद करता है। और दल समूह की अवस्था भी ये उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था है, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिए, ये जो अवस्था है ये भी उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था है, खेलने की अवस्था भी उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था है। ओके, गैंग एज उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था है और खेलने की अवस्था, ये खेलने की अवस्था नहीं कहलाता, ये खिलौने की अवस्था कहलाता है। ओके, बाकी अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की अवस्थाएं होती हैं, चैटर बॉक्स की अवस्था कहते हैं, बहुत सारे प्रश्न करते हैं ये बच्चे। नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तु के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ये भी पियाजे के ही अकॉर्डिंग है। तो उत्तर बाल्यावस्था में अगर मैथ पैडागोजी पियाजे के अनुसार पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों के परिवर्तन को समझने लगता है? तो है द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र। ये सब के बारे में जो बालक है उत्तर बाल्यावस्था का, लेटर चाइल्डहुड का, वो आराम से समझ जाता है, यानी मास समझता है, नंबर समझता है, एरिया समझ लेता है। ओके, नेक्स्ट, व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है किस चीज का? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या सभी के साथ? तो आसान सा क्वेश्चन है ये, सभी के साथ एक अस्थाई समायोजन है। नेक्स्ट, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है कितना? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द होता है और ऐसा स्किनर ने बताया है। ओके, नेक्स्ट, शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? ठीक, तो शर्म, गर्व ये जैसी भावनाएं जो होती हैं वो बाल्यावस्था की अवस्था है और यहाँ पे बच्चे को शर्म भी बहुत जाता है, गर्व भी बहुत होता है अपने ऊपर। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति या जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग है? याद रखिए, किसका मूल प्रवृत्ति? जिज्ञासा का। मैंने बताया है जब मैं पढ़ाया हूँ कि जिज्ञासा क्वेश्चन हमेशा से आया, मतलब मैकडूगल से। ओके, तो ये इन्होंने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति और 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। तो जिज्ञासा में कौन सा संवेग होता है, ये क्वेश्चन है। तो भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। ठीक, तो याद रखिए, आश्चर्य, जब भी आश्चर्य होता है तो हम जिज्ञासु हो जाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रकृति। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, याद रखिएगा, चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता। ओके, नेक्स्ट, जब एक विद्यार्थी
असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धतियां असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल है या व्यक्तिक असफलता है। ओके, एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धतियां असफल है, या देखिएगा पद्धतियां असफल है, कहीं ना कहीं वो पद्धति जो है, सिस्टम जो है वो असफल हुआ है। ठीक, शिक्षक असफल नहीं है, शिक्षक द्वारा किया गया जो सिस्टम है, जो पद्धति है, जो विधि है वो असफल हुआ है, विधियों को वापस से चेंज करो, फिर से पढ़ाओ। पाठ्य पुस्तकें कभी असफल नहीं होती और व्यक्तिगत असफलता नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिविजुअली डिफरेंसेस ये बच्चों के गुण होते हैं, याद रखिएगा इंडिविजुअली डिफरेंसेस बच्चों के गुण होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारी अपनी पद्धतियाँ होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने विधियों को चेंज करना होता है। ओके, तो विद्यार्थियों की असफलता यानी विद्यार्थी असफल होते हैं तो समझा जाता है कि पद्धतियाँ असफल हुई हैं। ओके, नेक्स्ट, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या, का किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आज्ञाकारिता। ओके, नेक्स्ट, मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है। ओके, यानी विकास, जब हम मूल्यों का विकास करेंगे तो क्या करेंगे, मतारोपण करेंगे, अंगीकरण करेंगे, अनुकरण करेंगे या अभिव्यक्ति करेंगे। ठीक, तो मानवीय मूल्य में जो विकास का अर्थ है सबसे ज्यादा, वो हम क्या करेंगे, अभिव्यक्ति, जो हम अपने विचारों को बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो लोगों को समझ में आएगा और इससे मूल्य डेवलप होगा। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। याद देखिएगा समकक्षीय वर्ग के, याद देखिएगा लड़के लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ अच्छी दोस्ती संबंध में हो जाती है। ठीक, तो किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। ओके, तो याद देखिएगा यहाँ पे सीटेट के एक और भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक बालक है जो बालिका को बैठ रही होती है तो कहता है कि तुम्हारी सीट यहाँ नहीं है, तुम्हारी सीट वहाँ है, लड़कियाँ उधर बैठती हैं। ओके, आखिर ये क्या डिनोट करता है, समकक्षीय वर्ग। तो ये ऐसे जो बालक है वो किस अवस्था में है, तो याद देखिएगा किस अवस्था में होगा। ओके, बाल्यावस्था में, किस अवस्था में होगा, बाल्यावस्था में। समकक्षीय सदस्यों का सक्रिय सदस्य बन जाते हैं बाल्यावस्था, यानी एक अच्छा दोस्ती भी किशोरावस्था में भी हो सकती है, याद रखिएगा। लेकिन इस तरह के जो बायस होता है, जो लड़के लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ अच्छी दोस्ती बनती है, वो बाल्यावस्था में होता है। विपरीत लिंग के प्रति जो दोस्ती होती है वो किशोरावस्था में होता है। ओके, नेक्स्ट, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास पूर्व, प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, भ्रूणावस्था से ही शुरू हो जाता है। बहुबुद्धि, बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतात्मक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावनात्मक व्यवहार। ओके, तो ये कहलाता है संज्ञानात्मक गतिविधियां, यानी हम अपने चीज़ों को, पशुओं को, खनिजों को, पेड़ पौधों को पहचानना शुरू कर देते हैं, यानी हम संज्ञान कर लेते हैं सबके बारे में, और संज्ञान मतलब चीज़ों को जानने से है। ओके, नेक्स्ट, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाता है क्या, प्रत्यक्षण कहलाता है, समायोजन कहलाता है, समावेशन कहलाता है या स्कीमा कहलाता है। तो संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है और हम कुछ नया संरचना अकुपाई कर लेते हैं, उसको कहते हैं समावेशन। स्कीमा में तो हम हर ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, जो पहली बार संज्ञान करते हैं वो स्कीमा होता है, उसके बाद हम दूसरी चीज़ उसी को ओवरलैप करते हुए, यानी चाय जान जाते हैं तो चाय के बाद कॉफ़ी भी जान जाते हैं। ओके, एक कप दिखाते हैं तो हम कप से बहुत सारे कप अगर उसी तरीके का दिखा दें तो सारे बच्चे जान जाएंगे कि यह सारे कप के हैं। ठीक, इसको कहते हैं समावेशन। ओके, नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। ओके, कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक, तो वो है नैतिक तर्कणा, यानी तर्क करें अपने आप से, रीजनिंग दें अपने आप से, पता करें कि यह क्या सही है और क्या गलत है। ओके, नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थियों को डैश में सहायता की आवश्यकता है। ओके, सीटेट का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, यह विद्यार्थियों को डैश में सहायता की आवश्यकता है, यानी भावात्मक क्षेत्र में,
उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के लिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में या मनोगत्यात्मक क्षेत्र में टेक, यानी ये जरूरी क्या है कि इस क्षेत्र में इसकी सहायता करनी चाहिए, तो वो है भावनात्मक क्षेत्र में इमोशनली डेवलपमेंट करना होगा ताकि विद्यालय के मानदंडों को वो समझ सके। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती हैं, तो किस में सहायता करती हैं, दुश्चिंता में, समाजीकरण में, मूल्य द्वंद में या आक्रामकता में। तो याद रखिएगा ये समाजीकरण में मदद करते हैं। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हों, सीटेट के क्वेश्चन हो, अच्छे लगे हों, तो एक बार लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यही एक रामबाण है जो आपको सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिला सकता है, वो है प्रैक्टिस। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।